हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाधीन एंड वेलकम टू आवर चैनल एसडी ग्लोबल बायोटेक। सो दोस्तों, आज के जो टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है सैलिनिटी। ठीक है, तो सैलिनिटी एग्जैक्टली क्या है, सैलिनिटी का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, हम टीडीएस मीटर से अगर हम सैलिनिटी चेक करें तो कितना एक्यूरेट तक हम चेक कर सकते हैं, हम लोगों को चेक करना चाहिए या नहीं चाहिए, सैलिनिटी कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, हम नाइट्राइट को कैसे काउंटर पार्ट करें क्लोराइड को यूज़ करके, या तो सैलिनिटी कैसे ब्राउन ब्लड डिजीज को काउंटर पार्ट करता है। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। दोस्तों सैलिनिटी का मतलब क्या होता है कि आपके जो पानी होता है उसमें जितने भी सॉल्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी आयन्स है वो सब मिला के सैलिनिटी होता है। सैलिनिटी का मतलब इतना नहीं होता सिर्फ NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सिर्फ सोडियम क्लोराइड छोड़ के भी प्राकृतिक बहुत सारे सॉल्ट होता है, जैसे आपको आपके क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फेट होता है, कैल्शियम होता है, पोटासियम होता है, ब्रोमिन होता है। ये सारे जितने भी सॉल्ट है इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव जितने भी आयन्स है सब मिलके जो पानी में जो होता है कैलकुलेशन उसको हम सैलिनिटी बोलते हैं। ठीक है, सैलिनिटी का जो हम मेजर करते हैं ना उसको हम बोलते हैं PPT, पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, अगर आप सिंबल देखते हो ना ये इस सिंबल से होता है। ठीक है, एक परसेंटेज जैसा सिंबल होता है, एक जगह पे दो होता है, तो अगर आपको सिर्फ ये परसेंटेज दिया रहता है तो भी वो PPT का ही सिंबल है। ठीक है, और अगर आप देखते हो ना नॉर्मली 1 PPT इज इक्वल टू 1000 PPM, मैं वही बोल रहा हूँ, 1 PPT है मतलब ये 1000 PPM है, मतलब सैलिनिटी के 1 PPT इज इक्वल टू 1000 PPM इन सैलिनिटी। टीडीएस, अगर आप टीडीएस देख रहे हो आपका टीडीएस का जितने भी पीपीटी होता है पीपीएम होता है वो बाय डिफॉल्ट उतना पीपीटी में कन्वर्ट नहीं होता है। सपोज आप टीडीएस चेक कर रहे हो, अगर टीडीएस में आपको दिख रहा है कि 1000 PPM, उसका मतलब 1 PPT नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि उसमें कितना सॉल्ट है, तो ये मुश्किल होता है। कि नाउ अभी आप टीडीएस मीटर आप यूज करते हो, ठीक है, टीडीएस मीटर में मैं पकड़ लिया कि आप जो पहले पानी लेते हो, ठीक है, पानी में जो इनिशियल लेवल पे जो पानी लेते हो उस पे क्या होता है, आप अपने टीडीएस चेक करते हो, सपोज आ गया उस पे 500, तो 500 में आप श्योर नहीं है कि उसमें कितना सॉल्ट है और कितना डिजॉल्व चीजें है। अगर आप अंदाजा पकड़ लो कि 500 है, चलो 500 को आप जीरो पकड़ लो सैलिनिटी, या 500 का आधा पकड़ लो, 250 सैलिनिटी पकड़ लो, जो भी है उसके ऊपर आप सॉल्ट ऐड करते हो, चलो आपको 1200, 1400, 1500 तक आ गया, तो आप कंफर्म ऑलमोस्ट हो चुके हो कि इसके बाद का जितने भी आपका टीडीएस इंक्रीज हुआ है ये सॉल्ट के लिए ही इंक्रीज हुआ है, और पकड़ के चलो वो आपका 1000 PPM या 1200-1500 पहुंच गया है। ठीक है, तो उधर का जो भी है, उधर का जो आपने ऐड किया है 1000, और ऑलरेडी जो पहले था 500 उसका पकड़ लो 250 सैलिनिटी है रफली अंदाजा में, तो 1250, 1200 या 1300 जो भी है अंदाजा पकड़ लो सॉल्ट ऐड करने के बाद। इस टाइप से आप एक अंदाजा ले सकते हो कैलकुलेशन, बट वो आपका एक्यूरेट नहीं होता है। सपोज आपने ये टीडीएस मीटर में आपने ये कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद आप अपना कल्चर कर रहे हो, अब ठीक है 2 महीना गया, 3 महीना गया, आप 1% वाटर ड्रेन मार रहे हो, ठीक है, फिर से नया वाटर ऐड कर रहे हो, उसके ऊपर मछली का खाना ऐड हो रहा है, उसके ऊपर मोलासेस ऐड हो रहा है, उसके ऊपर कितना चीज ऐड हो रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, धूप आ रहा है, तो आप बाद में जब चेक कर रहे हो ना आपको दिख रहा है कि आपका टीडीएस हो चुका है प्रॉब्लम 3000 या प्रॉब्लम 800, प्रॉब्लम 1500, 1700, उस टाइम आप कंफर्म नहीं कर सकते हो कि आपका वाटर का सैलिनिटी कितना है। ठीक है, इनिशियली आपने समझ लिया, उसके बाद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, और उसके ऊपर आपको पता भी नहीं चलता है कि चल चल पाएगा कि अभी जो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपका टैंक का जितना सैलिनिटी होना चाहिए वो सैलिनिटी मेंटेन है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जब आपको लगता है कि भाई आपके पानी का नाइट्राइड बढ़ गया, आपका क्लोराइड कितना मेंटेन करना है, उसके लिए भी आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आपको उसका कोई अंदाजा नहीं मिलेगा। तो टीडीएस मीटर से सैलिनिटी आप चेक करोगे तो इट्स लाइक ए कमिटिंग सुसाइड, आप अपना पैर कुराली पे मार रहे हो, तो आप ये मत करो दोस्तों। ठीक है, आप सैलिनिटी मीटर से ही सैलिनिटी चेक करना है, बाकी के चीज में और डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा।
तो दोस्तों अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हम लोगों को फ्रेश वाटर मिलता है, जो पॉन्ड में जो मिलता है, उसमें तो नमक रहता ही नहीं है। ये सही बात नहीं है। जो फ्रेश वाटर होता है उसका जो नमक का जो पीपीटी होता है 0.5 होता है या उससे कम होता है। जो ब्रैकिश वाटर होता है वो 0.5 तक, 30 PPT तक होता है। हम लोग जो बायोफ्लॉग में यूज करते हैं ब्रैकिश वाटर कंडीशन में लेके जाते हैं। हम लोगों का जो पीपीटी होता है 1 से लेके 2 PPT के बीच में मेनली रहता है। और जो सॉल्ट वाटर, जो सी वाटर होता है, वो 35 PPT से ऊपर होता है। ठीक है, प्राकृतिक जितने भी पानी है वो कहीं ना कहीं कम या ज्यादा सैलिनिटी रहता है। बिना सैलिनिटी का पानी नहीं हो सकता है। बहुत कम होगा बट सैलिनिटी रहेगा। अगर आप डिस्टिल वाटर लेते हो या अगर पानी को बॉयल करते हो, उसका वेपर जब उड़ के जाता है, वो जो वेपर अगर आप कहीं पे कलेक्ट करते हो तो उसमें सैलिनिटी आपको जीरो रहेगा। नहीं तो नेचुरल हर फॉर्म में पानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नमक रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सैलिनिटी बढ़ता है किस लिए या कम किस लिए होता है। जैसे आप देखोगे गर्मी के टाइम पे अगर आपके जो टैंक के जो पानी है अगर वो वेपर होकर उड़ जाता है, ठीक है, तो आपको दिखने को आएगा आपका सैलिनिटी बढ़ रहा है। क्योंकि जो पानी जो वेपर होकर उड़ता है ना, उसमें सिर्फ पानी जाता है, उसके साथ नमक नहीं उड़ता है। उसके ऊपर अगर आप टॉप अप अगर आप पानी एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सचेंज पानी कर रहे हो तो मतलब सैलिनिटी डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, उस पर भी आपका सैलिनिटी घटेगा। ठीक है, तीसरी बात है कि एक सॉल्ट क्रीप होता है। मतलब जब आप पानी ऊपर नीचे करते हो या तो कुछ कारण पे क्लाइमेटिक कंडीशन में पानी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो टैंक के नीचे ना व्हाइट कलर का एक लेयर बन जाता है। वो आप सॉल्ट का एक लेयर बनता है। फिर वो जो सॉल्ट होता है ना, दूसरे टाइम फिर से पानी में कभी डिजोल्व नहीं होता है। तो उसके चक्कर में भी आपका सैलिनिटी बढ़ता है। तो इन एन एवरेज आप देखना है रेनी सीजन पे आपका सैलिनिटी कम होता है क्योंकि बारिश का पानी आता है टैंक में, अगर आप श्रेड ना हो। और धूप के टाइम एक्सेस पानी आपको वेपर होता है, बोल के आपको सैलिनिटी इंक्रीज होता है। ये एक नॉर्मल फंडा है। तो दोस्तों अभी आप सैलिनिटी कैसे आप मेजर कर सकते हो, कुछ बहुत सारे मेथड है। एक उसमें आता है हाइड्रोमीटर, जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ठीके? दूसरा आता है आपका सैलिनिटी मॉनिटर, वो भी हम जनरली यूज नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, रेफ्रिक्टोमीटर एंड डिजिटल सैलिनिटी मीटर, यही मेन यूज होता है। बट रेफ्रेक्टोमीटर का एक जो प्रॉब्लम होता है ना, अगर आप देखते हो इस पर 0 PPT से लेके हम लोग जनरली 1.5 या 2 PPT रखते हैं, इसमें इतना छोटा छोटा ये है ना रीडिंग है ना, ये इतना क्लमजी है वो आपको दिख के समझ में नहीं आता। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जो रेफ्रेक्टोमीटर होता है ना, अगर आप हाई सैलिनिटी पे काम करते हो, जैसे प्रॉन कर कल्चर कर रहे हो, आपको सैलिनिटी 7, 8, 9, 10 रखना है, तो आप रेफ्रेक्टोमीटर आराम से यूज कर सकते हो। अगर आप फ्रेश वाटर फिश जैसे यूज कर रहे हो, आप कॉमन कार्प करो, आप या तो कोई कर रहे हो, सिंगी कर रहे हो, मागुर कर रहे हो, पंगास कर रहे हो, इस टाइप के फिश के लिए ना सबको सैलिनिटी जनरली 2 से नीचे रखना पड़ता है, 1.5 के आसपास रहना पड़ता है। तो इसके लिए डिजिटल सैलिनिटी मीटर सबसे रिकमेंडेड है। अगर आप लोग ऑप्शन सोच रहे हो ना, आप लोग डिजिटल सैलिनिटी मीटर के लिए जाओ। अभी मार्केट पे आना चालू हुआ है, अमेजोन में आपको 3,000 से लेकर 7-8 हज़ार तक मिल रहा है। एक बार अगर एक अच्छा ब्रांडेड आप ले लेते हो ना डिजिटल सैलिनिटी मीटर, तो ये पीएच मीटर जैसा आपको डायरेक्टली पीपीटी में रीडिंग देता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। आप ये वाला सैलिनिटी मीटर लो, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। ये रेफ्रेक्टोमीटर आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको बहुत मुश्किल होगा बहुत बारीक वाला डिटेल्स लेना। 1.5 और 2 ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगा। 1 या 2 से जो पीपीटी में डिफरेंस आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो यू गो फॉर डिजिटल सैलिनिटी मीटर। तो सैलिनिटी का और कुछ यूज है, ये जो सैलिनिटी है ना, ये डीओ लेवल को एक सैचुरेशन लिमिट तक एक कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सैलिनिटी क्या करता है, आपको जो डीओ लेवल होता है ना उसको भी एक लिमिट करता है। ठीक है, अगर आप देखते हो ना डीओ का जो खुद का जो सेल्फ सैचुरेशन लिमिट है, कभी भी जो फ्रेश वाटर में 18-20 तक भी ही पहुंच जाता है कभी कभार, लेकिन जो सैलिनिटी वाला जो पानी होता है ना उसमें 8 से 10 तक ही रेस्ट्रिक्ट होता है। कुछ भी जितने भी एरिएशन दो, 8 या 10 से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। इन शॉर्ट ये आपको डीओ को लिमिट करता है। ये एक अच्छा पॉइंट है जो अपने आपके मछली के लिए अच्छा है। और जो भी आपके जो सॉल्टी वाटर होता है, और जो अगर आप फ्रेश वाटर देखते हो ना, तो सॉल्टी वाटर में फ्रेश वाटर से 20% कम ऑक्सीजन उस पर मिक्स होता है। ठीक है, तो ये एक आपका ऑक्सीजन को लिमिट करने के लिए बहुत अच्छा एक जोन है सैलिनिटी। सो दोस्तों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसमें पता चलता है कि कुछ कुछ मछली का ऑप्टिमम
सैलिनिटी कितना होता है, टॉलरेंट सैलिनिटी कितना है। तो ऑप्टिमम सैलिनिटी मतलब उसके उस मछली के लिए उतना अच्छा रहता है और तब तक उतना सैलिनिटी तक जी जाता है। टॉलरेंस मतलब उससे ज्यादा अगर होता है तो मछली मरना चालू होता है। जैसे आप कॉमन कार्प अगर देखते हो, कॉमन कार्प का जो रिसर्च हुआ था उसमें 0.5 से लेके 2.5 तक उसमें अच्छा ग्रोथ दिखाया था। बट मैं रिकमेंड करूंगा कॉमन कार्प 1 के आसपास ही रखो, 1 से 1.5 तक, ठीक है। मैक्सिमम सॉलिनिटी लेवल आपको 8.5 के आसपास लेके गए थे 10 तक, उसके बाद मॉर्टेलिटी चालू हुआ था। तेलापिया का आपको 0 से लेकर 10 PPT तक भी इनका ग्रोथ दिखने को गया था, बट 20 से 35 के ऊपर गया था तो मछली को मॉर्टेलिटी चालू हुआ था। तो दोस्तों, क्योंकि ये रिसर्च होता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट डिफरेंट लैब में, बहुत सारे कंडीशन के साथ होता है, डिफरेंट स्पेसीज के साथ होता है। अगर तेलापिया देखते हो तो उसमें 2, 3, 4 टाइप के स्पेसीज है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर कॉमन कार्प कर रहे हो तो 1 PPT के आसपास ही रखो। अगर थोड़ा हार्डी मछली कर रहे हो, ठीक है, सिंगी मागूर, ठीक है, तेलापिया, कोई, तो 1.5 PPT के आसपास रखो। बट 2 PPT क्रॉस मत करो, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नाइट्राइट को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, वो भी सफिशियंट है। तो 2 PPT आप क्रॉस मत करो, 1 से लेके 2 के बीच में 1.5 PPT के आसपास रखो, वो ऑप्टिमम होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप इतना ही रखो, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। दोस्तों, और भी बहुत सारे यूज है सॉल्ट का, ठीक है। अगर बहुत सारे लेजिटिमेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिसर्च हुआ है, अगर आप देखते हो ना, 0.5 से लेकर 1% सॉल्ट अगर आप कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मछली को रखते हो ना, तो उसमें क्या होता है, जितने भी पैरासाइट्स होता है मछली के बॉडी से, वो सब निकल जाता है। और दूसरा क्या है ना, जब आप मछली ट्रांसपोर्ट कर करके अपने फार्म पे लेके आते हो, तब अगर आप मछली के जो परसेंटेज है, जो सॉल्ट परसेंटेज है, 0.1 से 0.3 पे लेकर आते हो ना, तो क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन बैलेंस करने के लिए मछली को बहुत अच्छा है, और जितने भी स्ट्रेस है मछली के बॉडी से दूर हो जाता है, तो मछली बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये भी अच्छा है, सैलिनिटी आपके ऑस्मो रेगुलेशन बैलेंस करता है, स्ट्रेस रिलीज करता है, पैरासाइट्स मूव करता है, फंगल निकालता है मछली के बॉडी से, ठीक है, ये सब कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट है। तो आपको तो मैंने बोल ही दिया, ऑस्मोटिक बैलेंस, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइट, एंटी स्ट्रेस। कुछ रिसर्च में पाया गया है ना, जो कैटफिश होता है और स्पेशली जो फ्रेश वाटर का जो मछली होता है, नाइट्राइट से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होता है। नाइट्राइट अटैक किया तो बहुत जल्दी मछली का डेथ होना चालू होता है। तो ये जो नाइट्राइट होता है ना, ये हीमोग्लोबिन पे अटैक करता है, और जो डिजीज क्रिएट करता है उसको ब्राउन ब्लड डिजीज बोलता है। अगर आप सैलिनिटी प्रॉपरली मेंटेन करते हो, क्लोराइड लेवल, आपको जो नाइट्राइट का जो इफेक्ट है मछली के ऊपर, ये कुछ हद तक काउंटर हो जाता है, तो मछली को कुछ हार्म नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, ये जो ब्राउन ब्लड डिजीज होता है ना, और सैलिनिटी का उसका क्या रोल है, मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि आप जो सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हो, नमक, सोडियम एंड क्लोराइड, क्लोराइड का जो Cl- आयन होता है, ठीक है, और नाइट्राइड जब वो क्रिएट होता है पानी में, NO2-, तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों का दोनों बीच दोनों के बीच में ना एक रेस होता है, मछली के गिल के अंदर से जाके मछली के जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, इस पे जाके बाइंडिंग करने के लिए, ठीक है। अगर नाइट्राइट अगर आपके क्लोराइड पे अगर भारी पड़ता है, तो नाइट्राइट घुसेगा, घुस के जाके जो हीमोग्लोबिन होता है मछली का, उस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करेगा, उसको हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करेगा, और हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करना चालू करेगा। उसके ऊपर हीमोग्लोबिन जो क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन तो आप लेके नहीं जा सकते, और नाइट्राइट बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके ऊपर धीरे धीरे मछली का जो ब्लड का जो कलर है, वो थोड़ा ब्लैकिश होना चालू होता है, बाद में मछली मरना चालू होता है, ठीक है। बट अगर आप जो क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड, जो नमक का जो क्लोराइड है, अगर ये आपके नाइट्राइट का 10 गुना रखते हो, ठीक है, नाइट्राइट का 10 गुना रखते हो, तो कुछ कुछ रिसर्च में 6 गुना भी बताया गया है कि, बट अगर आप 10 गुना रखते हो, जो मैक्सिमम रिजल्ट मिला है, तो क्या होता है कि नाइट्राइट 10 गुना रखने के कारण क्या था, जो क्लोराइड का जो एक बैरियर होता है ना, वो गिल के आसपास क्रिएट होता है, तो मछली क्या होता है, ये मछली जो नाइट्राइट होता है, मछली के गिल के अंदर जा ही नहीं सकता है, बैरियर क्रिएट कर देता है क्लोराइड।
तो 1:10 का रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो क्लोराइड एंड नाइट्राइड रेशियो जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है सैलिनिटी के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बोला था ये एक प्रूवन है, 2004 में कैटफिश के ऊपर मेनली प्रयोग हुआ था और बहुत सारे जगह पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ था। कहीं पे बोलता है कि 6 टाइम क्लोराइड, कहीं पे बोलता है 10 टाइम्स क्लोराइड। जो 10 टाइम्स क्लोराइड है ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, ठीक है। मतलब जो आपके नाइट्राइड का जो भी आपके रीडिंग होता है, ठीक है, उसका अगर आप 10 गुना क्लोराइड रखते हो, क्लोराइड नमक नहीं, क्लोराइड में बोल रहा हूँ, NaCl, Na नहीं Cl, उसका अगर 10 भाग आप क्लोराइड अगर आप ऐड करते हो या आपके पानी में मेंटेन करते हो, तो नाइट्राइड कुछ भी हो जाए आपका मछली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाइट्राइड मछली के अंदर घुस ही नहीं सकता है, एक क्लोराइड गिल के आसपास ही उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, वो अंदर जा ही नहीं पाता है, ठीक है। अगर आप रफली अगर आप जानना चाहते हो कि भाई मैं अभी क्लोराइड में कैसे कैलकुलेट करूँ, अगर आप मोलर मास देखते हो ना सोडियम का, तो 22.99 है, क्लोराइड का 35.45 ग्राम पर मोल, ठीक है। रफली अगर आप थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप 100 ग्राम नमक लेते हो तो उसमें क्लोज टू 40 ग्राम होता है आपका सोडियम और क्लोज टू 60 ग्राम होता है आपका क्लोराइड, ठीक है। तो नमक का 60% क्लोराइड होता है, 40% सोडियम होता है, ठीक है, और आपको क्लोराइड लेना है तो 1 यूनिट में 60% आपका क्लोराइड होता है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो आपका कितना पीपीएम होता है। जनरली हम लोग इतना ज्यादा नमक देते हैं और अपना पीप सैलिनिटी 1.5 से लेकर 2 PPT के आसपास रखते हैं, ठीक है, या तो 1.5 PPT प्लस माइनस पे रहता है, तो उसका उसके लिए वो नाइट्राइट ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंचा रहता है, तो आपका मछली का कोई हार्म नहीं होता है। बट आपके बहुत ज्यादा पानी पानी वगैरह एक्सचेंज होता है, ऑल ऑफ अ सडन बारिश होता है, आपके नमक निकल जाता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है, इस चक्कर में अगर कोई सैलिनिटी प्रॉपरली मेंटेन ना करे और उसको पता ही नहीं है कि उसको टैंक में सैलिनिटी सब खत्म हो चुका है, तब नाइट्राइड उसके मछली को मार डालेगा और टीडीएस मीटर में आपको पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको सैलिनिटी बोल ही नहीं पाएगा और उसके बीच में बहुत सारे कुछ हो चुका होता है आपके टैंक के साथ। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करना तो आप करो प्लीज़, उन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ जो जो भी दोस्त लोग मुझे फॉलो करते हो प्लीज़ आप डिजिटल सैलिनिटी मीटर खरीदो, टीडीएस मीटर से आप कल्चर मत करो। आज थोड़ा प्रॉब्लम है, कल खरीदो परसों खरीदो, बट खरीदो फॉर श्योर अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस लेना है सैलिनिटी में तो, ठीक है। रिफ्रेक्टोमीटर आप मत खरीदो अगर आपको प्रॉन कल्चर नहीं करना है तो, डिजिटल सैलिनिटी मीटर आपको लेना ही है दोस्तों। तो आई होप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा ये मेरा फार्म से ही बनेगा, ठीक है, और मैं आपका फार्म में, छोटा सा ही फार्म है तो मैं आपको दिखाऊंगा, और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और मैं December 1st week के आसपास से मैं विजिट अलाउ भी करूँगा जिनको आना है। मेरा फार्म बेंगलोर में है, साउथ बेंगलोर तो नहीं है, ये चंदापुरा बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नेक्स्ट है, तो मैं एड्रेस शेयर करूँगा और December 1st week ऑनवर्ड्स जिनको भी विजिट करना है वो आ सकते हैं मुझे कॉल करके। व्हाट्सएप नंबर तो थंबनेल पे दिख ही रहा है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आया है दोस्तों। इफ़ यू रियली लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।